स्वागत करता हूँ आपका हर्ष टीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करूँगा जिस प्रकार आपने मुझे पिछले वीडियो में सपोर्ट दिखाया, और कोशिश माफ़ कीजिएगा, उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो में भी आप मुझे उस प्रकार भी सपोर्ट दिखाओगे। तो दोस्तों, जो मैच है करीबियन प्रीमियर लीग का, जो सेकंड मैच है उसका वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो था वो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया उसका, जो जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हो फर्स्ट वीडियो। जो फर्स्ट मैच अभी अब से कुछ 5 या 6 घंटे बाद होने वाला है, शाम को 8 बजे आप देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव। झकास मैच होने वाला दोस्तों, CPL का पहला, और बहुत दिनों बाद एक अच्छी तगड़ी लीग आ रही है। तो उम्मीद करूँगा कि बारिश इंटरप्ट ना करे मैच को, क्योंकि उनके जो वेदर फोरकास्ट है उसके हिसाब से बारिश आने वाली है। तो आप भी दुआ करो, मैं भी दुआ करूँगा कि मैच में बारिश ना आए और हमें अच्छी खासी T20 मैच देखने के लिए मिले। तो दोस्तों, तो जो मैं बोल रहा था, अभी हम फोकस करते हैं हमारे सेकंड मैच के ऊपर जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी ये दोस्तों जो मैच होने वाला है बारबाडोस वर्सेस पेरेटोर्स के बीच में होने वाला है, जो बहुत ही बढ़िया मुकाबला होने वाला है। और मैं उम्मीद करूँगा कि जो पहला मुकाबला है और जो दूसरा मुकाबला है, दोनों ही मुकाबले अच्छे हो। सो दोस्तों, बात करते हैं अभी पिच रिपोर्ट की। जो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, मैच कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है ब्रायन लारा स्टेडियम में। तो दो ही वेन्यू है, कि ब्रायन लारा स्टेडियम और एक दूसरा वेन्यू है, उसका भी आपको मैं न्यूज़ दे दूंगा। तो पिच रिपोर्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो पिच रिपोर्ट को जिस प्रकार है अभी तक, अभी आपको जैसे पता है कि बहुत दिनों से मैचेस चल नहीं रहे हैं, और मैचेस ना चलने के कारण ऑब्वियस बात है कि पिच सपाट होंगी पूरी और बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होंगी। मगर ऐसा एक ट्विस्ट है इसके अंदर दोस्तों, जब भी ये मैचेस यहाँ पर खेली गई है CPL की, इसके पहले जो भी मैचेस खेली गई है यहाँ पर, उसमें क्या होता है, जो पहले बैटिंग टीम करती है वो जो बैटिंग पहले टीम करती है उसका एवरेज अमूमन स्कोर क्या होता है, 160 के आसपास, यानी कि लो स्कोरिंग थोड़ा सा ग्राउंड बोल सकते हैं आप। और लेटर ऑन जो है स्पिनर्स थोड़ा सा यहाँ पर अपना शिकंजा कसते हैं। तो आपको बात याद रखनी है कि पिच अभी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बहुत दिनों का मैचेस हो रही है, शायद से मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स खेलने वाले उनको भी नहीं बताऊंगा पिच किस प्रकार है। तो दोस्तों, 160 के आसपास ऐसा पकड़े चले कि बैटिंग पिच है, तो आप ये बोलकर चल सकते कि जो पिच है आज की वो बैटिंग पिच होने वाली है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको मेरी फाइनल टीम मिलेंगी, मेरे जो भी अपडेट मिलेंगे, जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की नोट्स भेजूंगा, वो सब आपको यहीं पर मिलेंगे। और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है वीडियो के, इस वाले आप वहाँ से भी जुड़ सकते हो। अगर लिंक ने काम नहीं किया तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने टेलीग्राम के एप्लीकेशन पर हर्ष टीम्स कर सर्च कर देना है, और वहाँ पर आपको एकमात्र हमारा ही चैनल दिखेगा। मगर दोस्तों, सब्सक्राइबर्स देख के मौत फेर लेना यार, क्योंकि भी मैंने भी जीरो से शुरुआत की है, और जो जितने भी बड़े बड़े आप देखेंगे टेलीग्राम यूज़र्स हैं, जो टेलीग्राम जिनके चैनल खोल के रखे हैं, उन्होंने भी जीरो से शुरुआत की थी। तो सब्सक्राइबर्स देख के मौत फेर लेना, आओ तो यार एक बार ट्राई तो करो किस प्रकार चैनल है। तो उम्मीद करूँगा जो भी भाई होगा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेगा। अब दोस्तों, ये देखोगे आप बारबाडोस वर्सेस पेट्रियट्स। दोस्तों, बारबाडोस वर्सेस पेट्रियट्स का जो स्क्वाड है पूरा 22 या 23 जन का, जो भी होगा आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और इतने लंबे नाम ले लेके मैं पागल हो जाऊँगा। तो आपको, आप भी समझ सकते हो कि वीडियो लेंदी ना हो तो आप बिल्कुल पढ़ लेना आराम से पॉज करके, मैंने यहाँ पर पूरे नाम दे रखे हैं। हाँ, मैं लगा आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 पढ़ा के दिखाता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर के स्टैट्स। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे बारबाडोस के जो प्लेइंग 11 हो सकते हैं आज के मैच में उनकी वाली। अब दोस्तों बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो जॉनसन चार्ल्स एक बढ़िया ओपनर वेस्ट इंडीज़ का, और मैं इनकी आपको बात बता दूँ, बहुत दिनों से वेस्ट इंडीज़ से दूर है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है अभी फिलहाल टेस्ट खेलकर आ रही है इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें वहाँ पे भी इनको चांस नहीं मिला था, तो इंटरनेशनल क्रिकेट से बहुत दिनों से दूर है। मगर इनके अगर आप CPL रिकॉर्ड देखोगे तो 13 मैचेस में 415 रन और 31 का एवरेज, एक अच्छा खासा एवरेज बोल सकते हैं एज ए ओपनर इनका वाला। तो इनको ट्राई करिएगा आप अपने स्मॉल लीग की टीम में, और वैसे भी हम अभी टीम बनाने वाले हैं तो उस वक्त हम इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। शाय होप आप सभी को पता है अच्छा खिलाड़ी है, वेस्ट इंडीज़ के जो दौरा था उसमें थोड़ा फ्लॉप हो गए थे, माफ़ कीजिएगा इंग्लैंड का जो दौरा था उसमें फ्लॉप हो गए थे टेस्ट में। मगर इनकी काबिलियत आप सभी को पता है कि जिस प्रकार इन्होंने वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाई थी, और इनकी 2-3 इनिंग मुझे भी याद है, अच्छा खिलाड़ी है। इनके अगर आप देखेंगे तो 17 मैचेस में 379 रन सर 23 का एवरेज है, एवरेज इनके नाम पर बिल्कुल सूट नहीं होता है, मगर आप हो सकता है कि उम्मीद करूँगा ये सीज़न जो रहेगा इनके लिए अच्छा रहेगा। ब्रूक्स की बात करो दोस्तों, तो इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया अभी इंग्लैंड दौरे में, 16 मैचेस में 286 रन बनाया है अभी तक CPL में, 22 का एवरेज इनका वाला, अच्छा खिलाड़ी है, एक स्मॉल लीग के लिए और ग्रैंड लीग के लिए दोनों के लिए अच्छी पिक बन सकता है आपके लिए। कार्टर 37 मैचेस 620 रन इनका, जो भी बता दूँ मैं आपको एक बात, ये जो है फर्स्ट क्लास के आंकड़े हैं इनके वाले, नहीं शायद CPL के ही आंकड़े, 37 मैचेस में 620 रन 22 का एवरेज है, उतना कुछ खासा खिलाड़ी नहीं है। अब एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में बहुत कम लोग को पता है, और इस खिलाड़ी मुझे बहुत मैचेस जीता है, ग्रेव्स। दोस्तों, ग्रेव्स एक अच्छा खिलाड़ी है, 6 मैचेस में 101 रन
33 का एवरेज है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, गेंदबाजी भी कर लेता है। तो मेरे लिए, मैं आपको सरपटक पटक के बोल रहा हूँ और पूरा स्ट्रेस लगा के बोल रहा हूँ कि ग्रेव्स एक अच्छा ग्रैंड लीग के लिए कप्तान का विकल्प है। T10 मुकाबलों में जो इन्होंने खेले पिछले वाले, इसमें मुझे बहुत बार जिताया है, गेंदबाजी भी करते हैं, तो बिल्कुल इनको ट्राई कीजिएगा। नीचे देखेंगे कोरी एंडरसन, मिचेल सैंटनर, दोनों ही न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर बोल सकते हैं आप इनको। तो जैसे कि मैं कह रहा था, दोनों ही न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर्स, माफ़ कीजिएगा, मिचेल सैंटनर और कोरी एंडरसन। कोरी एंडरसन को आपको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, मिनी ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कीजिएगा आप, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इनकी पारियाँ तो आपको याद होंगी, 91 लगा दिए थे वहाँ पर, 14.5 ओवर में 190 का टारगेट चेस कर लिया था, तो क्या धाकड़ खिलाड़ी है। 92 रन बनाए थे वहाँ पर, एक लेफ्टी बल्लेबाज, थोड़ी बहुत गेंदबाजी करके देंगे आपको, तो बिल्कुल ट्राई कीजिएगा इनको। मिचेल सैंटनर गेंद के साथ अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ना ही बल्ले के साथ भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, मगर गेंद के साथ मुझे ज़्यादा एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर मुझे ज़्यादा पसंद है। 44 मैचेस में 52 विकेट्स ले रखे हैं, वहीं पर कोरी एंडरसन ने 31 मैचेस में 485 रन बनाकर 14 विकेट ले रखी है। जेसन होल्डर ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं, 55 मैचेस में 523 रन, 11 का एवरेज, उससे अच्छे बल्लेबाज है जितना इनका एवरेज दिखाया गया है यहाँ पर, 39 विकेट्स ले चुके हैं। राशिद करामती खान एक बहुत ही बढ़िया लेग स्पिनर गेंदबाज, अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं, 41 मैचेस में 79 विकेट्स, अच्छा आंकड़ा और आपके लिए मिनी ग्राइंडिंग के लिए बेस्ट कप्तान का विकल्प। हेडन वॉल्श 9 मैचेस 5 विकेट, उभरता हुआ खिलाड़ी, वेस्ट इंडीज़ के लिए लेग स्पिन करते हैं, बिल्कुल इनको ट्राई कीजिएगा। और रेमोंड राइफर इनके ऊपर, हाँ दोस्तों राइफर की बात बता दूँ, मैं इनको सिलेक्ट किया गया था बहुत सारे दौर में, मैंने देखा इनको सिलेक्ट किया पर इनको खिलाया नहीं वेस्ट इंडीज़ ने। तो दोस्तों अभी CPL में इनका रिकॉर्ड देखूंगा, 33 मैचेस में 377 रन बना चुके हैं, 19 का एवरेज, लगभग 20 के आसपास का एवरेज है और 28 विकेट, तो आपके लिए एक अच्छा ऑलराउंडर साबित हो सकता है। तो बिल्कुल ये हो गई है बारबाडोस की कुछ प्लेइंग 11, कोई पानी पिलाओ यार, बहुत देर से प्यास लगी। अब दोस्तों पेरीडोस की बात करते हैं हम, इवन लेस 51 मैचेस में 1200 के आसपास रन, 25 का एवरेज, अच्छा खिलाड़ी, तगड़ा खिलाड़ी, ओपनिंग करते हैं, मुंबई इंडियंस की तरफ से भी खेले हैं इन्होंने और बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। अब बात मुंबई इंडियंस की आई गई, तो क्रिस लिन इस बार मुंबई इंडियंस ने इनको खरीदा है, धाकड़ खिलाड़ी है, अगर ये चल जाता है तो आपको, आपने इनको टीम में ट्राई नहीं किया है तो आपको वन साइड हरा देगा, बहुत बढ़िया कैपेसिटी इनके अंदर बड़े बड़े शॉट लगाने की। 31 मैचेस में 744 रन, 27 के आसपास का एवरेज है। बेन डंक 9 मैचेस में 144 रन, ओह ये एक ग्रैंड लीग के लिए पिक लाया हूँ आपके लिए मैं, निकी केली मुझे लगता है आज खेलेंगे, 39 मैचेस में 732 रन, इनका फर्स्ट क्लास का करियर है, 30 के आसपास का एवरेज, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है दोस्तों, इनको आप ट्राई कीजिएगा। डा सिल्वा फर्स्ट क्लास करियर इनका, अगर आप देखोगे तो 16 मैच में 850 रन, नॉट बैड, 32 का एवरेज है और शायद आज खेल सकते हैं। दिनेश रामदीन 71 मैचेस में 621 रन, 17 का एवरेज, उतना कुछ खासा रिकॉर्ड नहीं इनका वाला। इमरान खान अगर आप देखेंगे तो 30 मैचेस में 139 रन, गेंदबाज की तरफ बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ से खेल रहे हैं, तो 23 विकेट ले चुके अभी तक, तो बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं, तो इन्होंने 23 विकेट ले रखी है, खेल सकते हैं आज के मैच में। एमरेट की अगर बात करें दोस्तों, तो 11 मैच में 12 विकेट ले चुके हैं ये। अगर आप पेस डिपार्टमेंट देखेंगे तो शेल्डन कॉटरेल, अल्जारी जोसेफ और सोहेल तनवीर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, लेफ्ट हैंड तगड़े गेंदबाज फास्ट, तो ये तीन गेंदबाज मिलेंगे आपको। 51 विकेट्स अभी तक कॉटरेल ने ले लिए, 18 विकेट्स अल्जारी जोसेफ और 64 विकेट्स यहाँ पर सोहेल तनवीर ने ले रखी है। तो ये होगी कुछ डिटेल्स, न्यूज़, एनालिसिस जो आपको मैंने अभी दिखा दिए। अब चलते हैं सीधा टीम बनाने के तौर पर, तो दोस्तों टीम बनाते हैं अभी। टीम शेफर्ड को मैंने ले रखा है यहाँ पे, क्योंकि निकोलस पूरन मेरे फेवरेट खिलाड़ी है, मुझे पता है, हाँ थोड़ा उल्टा हो गया, निकोलस पूरन एक अच्छे खिलाड़ी है, इनको आप ले सकते हो, मगर मुझे लगता है कि निकोलस पूरन की जो बल्लेबाजी है वो बहुत नीचे आती है। अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर आते हैं, अभी हो सकता है कि जब मैं लाइन अप निकल गया इनका, अगर अरेंजमेंट देखूँ किस प्रकार कहाँ उतरने वाला है, तो मैं चेंज कर लूँ, फिर फिलहाल मैं शेफर्ड के साथ जा रहा हूँ। शेफर्ड को मैंने अपनी टीम में रखा है। बल्लेबाज सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर लिंडन सिमंस, नो डाउट इनको लेने का, क्यों मतलब क्या क्या सोच कर इनको छोड़ो भगवान जाने। लिंडन सिमंस, शेमरन हेटमायर और ब्रेंडन किंग लीडिंग रन स्कोरर थे अभी के मैच, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, माफ़ करना, मैंने पहले मैच की टीम आपको गलती से दिखा दी, चलो कोई बात नहीं। ये जो सेकंड मैच उसकी टीम मैंने बना रखी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने जॉनसन चार्ल्स ओपनिंग करने वाले हैं, क्रिस लिन और बेंडंग शायद से वन डाउन है, फिर टू डाउन आ सकते हैं, और क्रिस लिन ओपनिंग करेंगे। कोरी एंडरसन मुझे लगता है थोड़ी बहुत गेंदबाजी करके दे सकते हैं यहाँ पर। ग्रेव्स, मिचेल सैंटनर और तनवीर दोनों ही ऑलराउंडर, कॉटरेल, अल्जारी जोसेफ, होल्डर और राशिद करामती खान, तो ये हो सकती है कुछ इस प्रकार की टीम। अब आप देखोगे तो बहुत सारे लोग भाग रहे हैं क्रिस लिन की वजह से कप्तान, मगर मुझे लगता है कि आज के मैच में ग्रेव्स एक अच्छा कप्तान हो सकता है आपके लिए, और अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे तो राशिद करामती खान आपके लिए बढ़िया कप्तान हो सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में दोस्तों, वीडियो पसंद है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ठोकना मत भूलना यार, और बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल टीम मिलेंगी। चलो धन्यवाद, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।